गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं में पार्ट 4 व्यवस्था तंत्र में मैं इसके पहले कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के विषय में समझाई थी, उसका अर्थ उसकी रचना के विषय में समझाई थी। फिर उसके कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र का अधिकारी के विषय में समझाई थी। उसमें दो विभाग होते, प्रबंध विभाग, कारखाना विभाग। फिर उसमें कौन से व्यक्ति क्या कार्य करते हैं, ये सब के विषय में समझाई थी। आज मैं आपको औपचारिक व्यवस्था तंत्र के विषय में बताऊंगी। और इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विभिन्न ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र तथा कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था के प्रकार हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य का दायित्व तो पूर्ण करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है। अधिकार प्रदान करते समय अधिकारी और अधीनस्थ ये बातें सुस्पष्ट होती हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य को पूरा करना है सही समय पे, और उसको सही से पूरा करना तो उसके लिए क्या है, इसमें अधिकारियों को उनका अधिकार प्रदान करना जरूरी है। तभी अधिकारी अपने अधीनस्थ से बातें अच्छी तरीके से कर पाएंगे और जो गलत फहमियाँ रहेगी उसे दूर कर पाएंगे। लक्षण। औपचारिक ढांचा। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचालक सोच समझकर औपचारिक ढांचे की रचना करता है। मतलब निश्चित उद्देश्य, यानी कि किस उद्देश्य की वो पूर्ति करना चाहता है, इसलिए वो सोच समझकर औपचारिक ढांचे की रचना करता है। अपरिवर्तनशील। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों का स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील होता है। कर्मचारियों का स्थान एक बार सुनिश्चित होने के बाद कदाचित ही उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों का स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश उसमें परिवर्तन करना हो जाता है। उच्च से निम्न अधिकार सौंपना। अधिकार सौंपना उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है और उसका स्थान उच्च से निम्न की ओर होता है। विशाल का कद। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद विशाल होता है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद कैसा, लंबा और विशाल होता है। निश्चित संबंध। विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारियों के मध्य संबंध निश्चित होते हैं। सूचना। सूचना संचार औपचारिक मार्गों द्वारा ही होता है। औपचारिक सूचना का कोई स्थान नहीं होता है। सूचना संचार औपचारिक मार्ग के द्वारा होता है और इस सूचना संचार का कोई स्थान नहीं होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ। किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। ये संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक या अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं। इन संबंधों की स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह इनका नक्शा नहीं बनाया जा सकता। औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है। मतलब कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई कौन है, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। इसका ढांचा बनाया जा सकता है लेकिन इसका ढांचा नहीं बनाया जा सकता। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है, ये इसकी एक परछाई की तरह है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में से ही यह उत्पन्न होता है। यह अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। यानी उसका साथ का है। लक्षण। अनौपचारिक ढांचा। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र का ढांचा अनौपचारिक होता है, जो आंतरिक संबंधों से उत्पन्न होता है। एक ही औद्योगिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से इस ढांचे की रचना होती है। मानव व्यवहार पर आधारित। दूसरा। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित होता है।
यह व्यवहार किसके आधारित होता है? मानव के व्यवहार पर होता है। एक समान मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत और मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा औपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह रचे जाते हैं, जिसके आधार पर यह व्यवस्था तंत्र रचा जाता है। ये क्या है? एक समान मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत और मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा यह औपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह की रचना की जाती है। परिवर्तनशील, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है। कर्मचारी कार्य की, देखो ये अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र क्या है, ये परिवर्तनशील होता है, और औपचारिक व्यवस्था तंत्र कैसा अपरिवर्तनशील होता है। कर्मचारी कार्य के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होते हैं। इसमें क्या है, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, लेकिन औपचारिक व्यवस्था तंत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता। तब नए सिरे से मानव संबंधों में परिवर्तन होता है, और इस कारण से अनौपचारिक तंत्र में भी परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा है सर्वव्यापी, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र सर्वव्यापी है, यानी अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र क्या है, ये सर्व जगह काम आती है, जो मात्र उद्योग में ही नहीं बल्कि समान हितों और मूल्य वाली प्रत्येक मानवीय प्रवृत्तियों में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। अनौपचारिक सूचना संचार, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों के मध्य सूचना संचार अनौपचारिक रूप से होता है, अधिकतर यह मौखिक रूप से होता है, इसलिए इसमें वास्तविकता की तुलना में अभिप्रायों का प्रमाण होने की संभावना बढ़ जाती है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में सूचना संचार अत्यंत तीव्र गति से होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में क्या है, सूचना संचार का प्रमाण क्या है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। लघु आकार, ज़्यादातर लघु आकार यानी इसका आकार किस होता है, छोटा होता है। ज़्यादातर अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का आकार छोटा ही होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का आकार छोटा होता है और औपचारिक व्यवस्था तंत्र का आकार बड़ा होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। यह सदस्यों के बीच की आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रक्रिया का प्रमाण होता है। संख्या में बहुत सारे समूह होते हैं, परंतु आकार में बहुत छोटे छोटे प्रकार का व्यवस्था तंत्र है ये। सातवां है नियंत्रण का अभाव, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों की प्रवृत्ति पर विधिवत रूप से कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। व्यक्ति स्वेच्छा से अपना तथा सहकर्मी का कार्य करता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में क्या है बच्चों, कर्मचारियों की प्रवृत्ति पर विधिवत रूप से कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, इसलिए व्यक्ति क्या अपने स्वेच्छा से सहकर्मी से इच्छा से कार्य करता है। आठवां है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होता है। ये अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किससे उत्पन्न होता है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र से उत्पन्न होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। आधुनिक समय में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के महत्व में वृद्धि होती जा रही है। व्यवस्था तंत्र का अधिक प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि इससे औद्योगिक झगड़ों में कमी और अनुशासन में रहने में यह व्यक्ति अधिक प्रचलित होता है। इससे क्या है, आधुनिक समय में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, और व्यवस्था तंत्र के कारण क्या है, आधुनिक जो झगड़े रहते थे और अनुशासन सही ढंग से नहीं रहता था, तो ये सब कैसे व्यवस्थित रूप से होने लगा। तो धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको श्रेणी व्यवस्था तंत्र के विषय में समझाऊंगी।